Hello and you're watching ClapTrap. We are back again. Today we are going to showcase something that is very luxurious, lavish and opulent. Talking about the segment that is my favorite. Let's start with the introduction part, then we'll see some units. Hello Adi ji. Kaise hain Sanjeev ji? Main theek hoon, aap kaise hain? All good sir. Welcome back. Thank you so much. Is baar bahut lambe span ke baad. Haan, after a long gap, bahut lamba gap ho gaya hamara. Bahut is saal thoda preparation mein time lag gaya. Acha. Due to COVID, thoda sa peeche se supplies and har cheez obstruct hui thi. Ji. To ab finally dobara back with a bank. करेक्ट है और मेरे ख्याल से सही टाइम भी है बिल्कुल, क्योंकि यू नो दिवाली अभी जस्ट कुछ दिनों बाद दिवाली है बिल्कुल सर एंड पीपल आर आउट एक्चुअली मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ भी हैं जी सर सो अब क्या क्रेज लोगों में आ रहा है किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं आप अभी सर इस बार जो ट्रेंड आ रहा है ना वो थोड़ा सा मॉडर्न जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मॉडर्न थीम्स में एंड जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे जी कि जो कलर्स हम पहले सोचते थे ना कस्टमर्स के लोग कस्टमर पसंद नहीं करेंगे तो आजकल मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूँ कि कस्टमर उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं अच्छा, प्रोडक्ट्स के ओके जी तो थोड़ा लोग कलर्स के साथ में एक्सपेरिमेंटल हो रहे हैं अब अच्छा जी ठीक है क्योंकि अब हम आइडल में हम और आई होम एंड बेस्ट रूम्स के बारे में लोग ऑलरेडी जानते हैं वो एक अलग सेगमेंट है जी सर और ये सेगमेंट एकदम टोटली डिफरेंट है ये सर प्रीमियम सेगमेंट है आई होम जो है वो एंट्री लेवल सेगमेंट है जी और जो बेस्ट रूम जो है वो मिड लेवल सेगमेंट है ओके तो इस तरह से आप तीनों सेगमेंट्स को केटर करते जी हैं सर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था जो हमारे व्यूअर्स को हमने दिया है कि आप अपने बजट के हिसाब से इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं बिल्कुल सर इट्स मोर लाइक अला कार्टा जैसा हो गया है एग्जैक्टली सर आपको जैसा चाहिए वैसा चीज अवेलेबल है यू जस्ट हैव टू डिमांड एंड वी हैव दैट एंड टॉकिंग अबाउट दिस वन बिकॉज दिस पर्टिकुलरली इफ वी टॉक अबाउट आइडल And here we deal already always in all our products are in the ultra premium All segment. home furniture, sir. And home furniture में just हम लोगों के पास furnishings नहीं होती हैं. And furnishings के अलावा artifacts होते हैं हमारे पास. And wall decor होता है, paintings होती हैं. Right. Home furniture पूरा हो ही क्या? Home accessories होगी. Okay. वो सारी चीजें available हैं. All right. And mostly we have imported. I think. 90% is imported, but अभी थोड़ा सा हमने segregate करा था जैसे मैंने अपनी last videos में भी आपको बताया था तो उसमें अभी हम लोगों ने around 30% के आसपास Indian भी इसमें add on करा है यहाँ पे ठीक बात है जी तो वो लोगों के लिए जिनको लगता है कि हम एक थोड़ा सा जो patriotic वाला बात होती है ना वो बता दें कि आई होम और बेस्ट रूम्स में जो हमारे पास मर्चेंडाइज है वो मोस्टली इंडियन टोटली मेड इन इंडिया है हमारे खुद के फैक्ट्री के बने हुए इस बार सर आई होम के अंदर भी आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस में अच्छा तो वो भी अभी मेरे जितने व्यूअर्स हैं उसके लिए वो भी प्रिपेयर्ड रहे ऑलराइट सो फ्रॉम आइडल वी डील विद कस्टमर्स दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अल्ट्रा सेगमेंट हाई एंड फर्नीचर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एग्जैक्टली सर ठीक है सो वी विल स्टार्ट टेकिंग अ टूर नाउ क्विकली वन आफ्टर अनदर एंड हमेशा की तरह कुछ हम दिखाएंगे बिल्कुल सर और एक एक्सपीरियंस कराते हैं लास्ट टाइम के वीडियो में भी हमने वही किया था हम लोग इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे बट एक जस्ट एज अ एक्सपीरियंस हम आपको दिखा सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबिलिटी है क्योंकि स्टोर का साइज आपको इटसेल्फ पता ही है जी ह्यूज साइज है एंड मैं सारे प्रोडक्ट्स भी अपने रिवील नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है कि हमारा इंडियन मेंटालिटी क्या है सारे वो कॉपी प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा तो वो कस्टमर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जज करना कि विच इज़ ओरिजिनल एंड विच इज़ अ रेप्लिकेटेड वर्जन ओके जी वैसे तो हमेशा ही हम आपके पास नए प्रोडक्ट देखते हैं जब भी इनोवेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट की फैक्टर है आपका लेकिन हमने सिंस आई हैव टेकन अ टूर एंड ट्रस्ट मी दिस टाइम टोटली रेवोल्यूशनरी एग्जैक्टली लेट्स स्टार्ट द जर्नी सर प्लीज सोफा नंबर वन ओके एंड We have played with black and white. This is not pure white. This is a creamish white tone. Okay. And with black, we have played a golden theme. आप देखिए इसकी डिटेल वर्क देखिए चेस्टर डिजाइन है इसका बैकअप में पूरा जी चाहे आप इसको सेंटर ऑफ द हॉल रखिए ओके या आपके बैक साइड पे कोई वॉल है या नहीं है तो ये आगे से या बैक से प्रॉपरली ही फिनिश्ड प्रोडक्ट है ओके ये जब इंपोर्ट होता है इफ वी टॉक अबाउट द इंपोर्ट पार्ट ऑफ इट लॉजिस्टिक पार्ट डज इट कम जस्ट लाइक दिस और वी असेंबल इट हियर सर द सोफा इज कम्प्लीटली लाइक दिस ओनली बट जस्ट द लेग्स वी हैव टू असेंबल ओवर हियर ओके क्योंकि वो लेग्स इसलिए नहीं लगती क्योंकि सोफाज क्या होते हैं वो अप एंड डाउन सोफाज आते हैं अच्छा तो वो एक दूसरे को ही खराब कर देंगे ठीक है तो लेग्स सेपरेट आती हैं एंड सोफाज पूरे के पूरे असेंबल्ड आते हैं ओके और ये जो लेग्स हैं जो हार्डवेयर इसमें लगे हुए हैं यू डोंट गेट इन इंडिया
नहीं मिलते नेक्स्ट टू पॉसिबल राइट दिस इज बन जाएगा बट दैट टू मेड ऑन ऑर्डर बट बहुत एक्सपेंसिव बनते हैं सर और इसमें नीचे हम देख रहे हैं इस बार ना एक चीज और इंट्रोड्यूस हुई है जिससे कि फर्नीचर में नॉइज नहीं होता जी सर जी आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड दिस इज बफर जैसा दिस इज बफर्स काइंड ऑफ बफर्स वेरी नाइस स्वेड देखिए लुक एट द काइंड ऑफ फिनिश वी हैव आप इसमें स्वेड देखिए दिस इज अ मेटल स्ट्रिप विद पीवीडी जी दिस इज ऑल मेटल विद पीवीडी एंड इसके लेग्स भी जो हैं वो भी पूरे पीवीडी के साथ ही हैं करेक्ट एंड इसके फ्रंट में अब एक सबसे बड़ा जो कहते हैं ना इसका पॉइंट है ये आप गोल्डन पार्ट देख रहे होंगे दिस इज अ काइंड ऑफ अ फैब्रिक ओनली ये मेटल नहीं है अच्छा ये जो जो लाइनिंग सर्कल बना हुआ जो जो हल्का सा डी टाइप क्रिएट करा हुआ है वो फैब्रिक पार्ट है अच्छा वो मेटल नहीं है अच्छा मुझे लगा था वो मेटल नहीं है सर वो एसएस नहीं है एंड आप इसका फैब्रिक भी कुशन फैब्रिक को थोड़ा सा क्लोजअप देंगे दिस इज ऑल विद गोल्ड फॉइल ये अभी फैब्रिक इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है कहीं स्टोर्स पे मतलब जो अच्छे एक्सपेंसिव स्टोर्स हैं फैब्रिक के उनके ऊपर आपको अवेलेबल थोड़ा सा ब्लिंग है उसमें जी है ना जी अपने वोवन ब्लिंग है इसके वोवन ब्लिंग है आप मतलब देखेंगे तो आपको वो दिखेगा कि उसमें फॉइल वर्क क्रिएट करा हुआ है एंड सेम विद द ब्लैक आल्सो ब्लैक के ऊपर क्या होता है लोग गोल्डन कलर का थ्रेडिंग करते हैं बट इसके अंदर थ्रेडिंग नहीं है दिस इज ऑल फॉइल वर्क ओके ये कंप्लीट फॉइल वर्क के ऊपर है ठीक है बहुत अच्छा है नाइस है बहुत खूबसूरत है ये और क्योंकि ये इम्पोर्टेड है और हम बात कर रहे थे अल्ट्रा लग्जरी में सेगमेंट की तो जनरली जो हमारे थ्री सीटर्स होते हैं उनसे थोड़े बड़े होते हैं ये सर थोड़ा सा बड़ा होता है ये थ्री सीटर जो होंगे एंड जो इसमें साइज है ये भी 3+3+1+1 है अच्छा दिस इज ऑल्सो थ्री सीटर दिस इज अ थ्री सीटर दिस इज 1 and 1 ओके तो अभी हमने इसको क्या करा हमने सिर्फ एक पीस को ब्लैक लिया अच्छा एंड हमने दो पीसेस इसलिए इसके लाइटर टोन पे और लाइटर वर्जन में रखे कि वो एक बैलेंस हो जाए अच्छा कि सिर्फ ब्लैक और ब्लैक ही फोकस ना रहे ओवरशैडो ना करे ओवरशैडो एक दूसरे को ना करे बिल्कुल और थोड़ा सा एक कहते हैं ना पीस कामली एक पीसफुली आपको एक एम्बियंस क्रिएट करे कि प्लेजेंट एम्बियंस आपका होगा ठीक बात है और कर्व्स भी हैं इसमें देखिए बहुत कम यूनिट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे स्ट्रेट लाइन के साथ में आपको कर्व्स में यूनिट्स मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लाइन हो जाए इसलिए यहाँ पे कर्व्स के दो ये सीटिंग है और ये सारा का सारा पूरा सेट लेना होगा वी कैन नॉट चूज नो सर वी कैन नॉट पिक आउट वी कैन नॉट स्प्लिट दिस ओके ये एज इट इज पूरे कॉम्बिनेशन में आता है 3+3 and 1 and 1 ठीक है डन जनरली हम इंडियन जब भी फर्नीचर आपके साथ शूट करते रहे तो सर हमेशा हम आपसे पूछते रहते हैं कि इनकी फोमिंग फैब्रिक और फोमिंग स्पेशली जो अंदर हमने इस्तेमाल किया हुआ क्या वहाँ पे भी इंडिया के बाहर भी क्या सेम पैरामीटर्स फॉलो होते हैं व्हेन इट कम्स टू डेंसिटी यस सर उनका एक एक्सपोर्ट काउंसिल है अच्छा जो है किसी भी कंट्री का होगा तो वो लोग पहले अपना पूरा इनकी चेकलिस्ट होती है अच्छा क्वालिटी कंट्रोल चेकलिस्ट होती है उसी के थ्रू ये पास होगा तो ये एक्सपोर्ट होगा अच्छा तो वो हमारे यहाँ के स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं कि अपने स्टैंडर्ड्स सर उनके वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स फिक्स हैं अच्छा अगर यही सेम सोफा इसी स्टैंडर्ड पे यूएस में भी जा रहा है यही सेम सोफा यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा है और यही इंडिया भी आ रहा है तो उनका पैरामीटर सेट है वो पूरे तो हर रीजन का हर कंट्री का अपना एक क्लाइमेटिक कंडीशन होती जी सर जी सर सो तो क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर वो सारी चीजें देख के ही वो वर्ल्ड वाइड के हिसाब से और हर चीज देख के ही वो उसको फिक्स करते हैं अपने पैरामीटर्स को ओके किसी भी कंट्री में ये अगर जा रहा है तो कहीं पे प्रॉब्लमैटिक चीज ना हो अच्छा सो मार्केट इज प्रॉपर्ली रिसर्च्ड बाय देम एग्जैक्टली सो व्हाट सूट्स वेयर दे अंडरस्टैंड ठीक है प्राइस के बारे में बताएंगे इसका या वी वांट टू सर इसका प्राइस बिल्कुल बताएंगे क्योंकि मेरी लास्ट दो एक दो वीडियोस में आया कि प्राइस नहीं बता रहे तो चीट करेंगे बट ऐसा कुछ होता नहीं है बट मैं प्राइस इस बार बताऊंगा आपको जी तो सर इसका जो प्राइस है वो है 3+3 and 1 and 1 विदाउट द टेबल्स बट ऑल द कुशंस आर इंक्लूडेड इन दिस एंड द प्राइस फॉर दिस इज 2,75,000 रुपीस 2,75,000 रुपीस बिकॉज दिस फॉल्स इनटू द अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट एंड एवरीथिंग इज इंपोर्टेड एग्जैक्टली सर एंड ऑल्दो आज की डेट में थोड़ा सा इम्पोर्ट हाई है तो जो मेरे कस्टमर्स हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी ये चीज़ समझ सकेंगे कि मुझे भी थोड़ा सा बर्डन पड़ रहा है तो मैं उतना बर्डन आप लोगों पे पास ऑन नहीं कर रहा हूँ अपनी तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश है बट जितना मिनिमम है मैं इसका प्राइसिंग उसी हिसाब से करें ठीक है डन एंड बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट यूनिट इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट द सेंटर टेबल्स एंड दीस बैक टेबल्स यस सर आर दे अवेलेबल या दीज आर अवेलेबल हाउ मच इज दिस फॉर सर द सेट फॉर कंप्लीट द सेंटर टेबल एंड टू साइड टेबल इज फॉर 95,000 रुपीस ओके डन वी गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ यस ओके ओके सो स्टार्टिंग यूनिट नंबर टू सर ऑलराइट अब हम क्या देखने वाले सर अभी भी सोफा है अच्छा दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्लासिक प्लस अ चेस्टरफील्ड जिसको कहते हैं सब चीजों का मिक्सचर है ये ऑलराइट ठीक है सो विल स्टार्ट दिस नाउ या सर
दिस इज अ सोफा नंबर टू. इसमें आप देखेंगे सर, इसमें हमने थोड़ा सा ग्रे एंड बेज प्ले करा है. अच्छा. दिस इज अ नॉट एग्जैक्टली आई कैन से कि लाइट ग्रे कलर है, थोड़ा सा डार्केस्ट टोन में, डार्क ग्रे टोन है. सर मुझे कुछ ब्लैक टोन में ज्यादा दिख रहा है. हाँ, बट आप अगर इसको क्लोजली देखेंगे ना तो अच्छा, थोड़ा सा डार्क ग्रे टोन है. अच्छा, ये डार्क ग्रे टोन में है. डार्क ग्रे के साथ अगेन हमने बेज प्ले करा है. एंड ऊपर अगर हम देखेंगे तो जो सारे व्यूअर्स एज इट इज सबको नॉलेज ही होगी, तो ये बर्बरी प्रिंट के हमने कुशन इसके साथ प्ले ऑन करे. अच्छा. एंड आप मेटल वर्क देखिए इसका आगे पूरा, जो आगे फ्रंट में पूरा मेटल है इसका सोफा का, जो इसका मेन यूएसपी है सोफा का, तो आप वो देखिए कैसा आपको प्रॉपर इसमें वो ब्यूटिफाई कर रहा है वो पूरी चीज को. जी. और ये भी हमारा पीवीडी पॉलिश है ना सर? दिस इज ऑल पीवीडी पॉलिश. एंड ये आगे आप जो देख रहे हैं ये सारा का सारा पॉलिएस्टर है. अच्छा. एंड उसके नीचे विनियर है. एंड दिस इज ऑल इम्पोर्टेड, ये भी इंडियन नहीं है. अच्छा. इम्पोर्टेड ही प्रोडक्ट है, इम्पोर्ट करा हुआ है पूरा. ठीक है जी. इसको कॉमन लैंग जो हमारी कॉमन लैंग्वेज है उसमें तो वही कहते हैं चेस्टरफील्ड राउंड आर्म सोफा है. जी सर, जी सर. जो ट्रेडिशनल जैसे आते थे ना राउंड आर्म, उसी को हमने थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए. अच्छा. और थोड़ा सा उसमें एक एलिमेंट क्रिएट करने के लिए, तो ये जो हमने नीचे वुड वर्क था और जो ये आगे मेटल का पार्ट है, वो कंपनी ने उसको वैसे प्ले ऑन कर दिया. अच्छा, ये बात आपने अच्छी बोली. मैं आई कम बैक टू यू. जब ये आप इम्पोर्टेड फर्नीचर लेते हैं, ये जनरली डिजाइन होते हैं, इनके डिजाइनर्स होते हैं, फर्नीचर डिजाइनर्स होते हैं. जी सर. तो आपको बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है क्या इसमें? आप अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन करा पाए और कस्टमाइज करा पाए? मैं कलर कॉम्बिनेशन इसमें कस्टमाइज कर सकता हूँ. अच्छा. कलर जो नीचे वुड का कलर है वो हम करा सकते हैं, जो गोल्डन जैसे मेटल वर्क है उसके हम कलर्स ऑप्शन चेंज करवा सकते हैं. तो जब आप प्रोक्योर करते हैं तो फिर जब फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री से, तो फिर वहाँ जाके फिर अपने टेस्ट के हिसाब से फिर अभी आप तो सर जैसे आपको पता है ट्रैवल रिस्ट्रिक्टेड है, कहीं पे भी कर नहीं पा रहे, तो अभी थ्रू इमेजेस जो कंपनी की इमेजेस आती हैं तो उसमें से जो हमारे को बेस्ट दिखता है हम उसी के अकॉर्डिंगली अभी प्रोक्योर कर रहे हैं. माय आईडिया वाज टू अंडरस्टैंड वेदर डू यू इंटरफेयर इन द डिजाइन आइडियाज एज वेल. डू यू मेक इट श्योर दैट इट इज सूटेबल फॉर इंडियन व्यूअर्स? एग्जैक्टली, दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू. ओके. अभी हम अगर लेट्स से हमारे को ये कोई और कलर कॉम्बिनेशन में है एंड इफ इट इज नॉट सूटेबल फॉर आवर इंडियन मार्केट, तो हम इसको अपने इंडियन कस्टमर्स के हिसाब से इसको प्रोक्योर करेंगे. ओके. क्या ऑप्शंस मेरे को इसमें चाहिए और क्या नहीं चाहिए. ऑलराइट, इट मस्ट बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. एग्जैक्टली. दैट केस. ओके. Cool. So we were talking about this round down Chesterfield sofa है. आज हमें एक नई चीज भी सीखी वो मिली कि आप imported designer furnitures को भी customize करा देते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. हमारे Indian taste के Indian taste के हिसाब से. But उसमें क्या होता है सर, मैं अब इसको further वो नहीं करा पाऊंगा. अच्छा. क्योंकि reason क्या, मेरे पास इसका stock होता है back. Correct है. यहाँ पे इंडिया में डिलीवर होने के बाद में ये इसमें modification नहीं होती, वहाँ हो सकती है modification. ठीक है. All right, so this is very nice, very beautiful. और हमने दिखा दिया न्यू क्लासिकल थीम के साथ पीछे बैकड्रॉप है, बहुत अच्छा दिख रहा है. ये मेटल है इसके अंदर. जी सर. जी सर. और पॉलिश पार्ट जो है वो भी बहुत अच्छा है इसका. जी. इसका प्राइस क्या है? सर इसका जो प्राइस है, दिस इज अ 3 सीटर एंड अ 2 सीटर एंड अ 2 सीटर. आप ये देखेंगे तो ये 3 थोड़ा सा ओवर साइज है एंड जो 2 भी हैं वो भी ओवर साइज है. हाँ. वो छोटे नहीं है जो कॉम्पैक्ट जैसे आते हैं सेट्स, ये थोड़े से ओवर साइज सोफाज हैं जो एज पर इम्पोर्ट पॉलिसी आती है. करेक्ट है. तो इसका जो प्राइस है सर 2,65,000 रुपीज का. ठीक है. ऑलराइट, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन. यस सर. ठीक है. ऑलराइट, सो गोइंग टू सी नंबर 3. नंबर 3 सर. ओके जी. और अब क्या देखने वाले हैं सर? अब भी अगेन हम जैसे वही आपको मैंने बोला, ब्लैक के साथ हम कुछ प्ले कर रहे थे. आज हमारा थीम ही वही है ब्लैक के साथ, जो भी कंप्लीट उसमें. अच्छा. तो अभी एक सोफा और है, उसको भी हमने थोड़ा सा प्ले करा है ब्लैक के साथ. ओके. तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ. ठीक है. दिस इज अ मॉडल जिसके अभी हम बात कर रहे हैं, जो नंबर 3 है हमारा. एंड दिस इज आवर शो स्टॉपर. दिस इज अ काइंड ऑफ अ शो स्टॉपर. अभी आगे और भी चीजें हैं, तो ये जस्ट एक कह सकते हैं कि एक स्टार्टअप है, जस्ट ये स्टार्ट करा अभी. ठीक है. तो अब आप इसमें देखिए, ये जो सोफा है इसमें अब हमने इसमें थोड़ा सा क्या करा है, मोर ऑफ ब्लैक क्रिएट करा है. लेस ऑफ बेज. हाँ, जस्ट वन बेज पार्ट एंड द सेकंड टू पार्ट्स आर द ब्लैक टोन. बट ब्लैक के साथ हमने क्या प्ले करा, हमने इसके ऊपर हल्का सा ना रस्टेड गोल्ड कलर के कुशन्स के साथ प्ले करा है. अच्छा. जस्ट टू ब्रेक द monotony of black. उसको हमने break करने के लिए थोड़ा सा black के black को. और there should not be too much of black so that you have covered it very slightly. Exactly. तो एक उसको थोड़ा सा niche effect देने के लिए. हाँ. अब इसके देखेंगे, इसमें पूरा again black with gold. क्योंकि ब्लैक के साथ मैं रोज गोल्ड प्ले करूंगा वो अच्छा नहीं जाएगा. तो ब्लैक के ऊपर जो सबसे एनहांस्ड कलर आएगा वो गोल्डन ही आएगा. वो गोल्ड पार्ट में ही आएगा. जी आदि जी, इसको ब्लैक को हम देख रहे थे इसमें. जनरली जब हम इंडियन कोई फैब्रिक देखते हैं
जिसमें इतना शीन होता है ब्लैक के साथ में, वो बड़े स्किन इरिटेंट होते हैं उनमें, जी सर, जी सर। वो आपकी स्किन को बड़ा ही अनकंफर्टेबल होता है। आई वुड लाइक टू सी दिस पर्सनली कि क्या इसका क्या फीलिंग आप इसको देखिए, इट विल गिव यू अ वेल्वेटी फीलिंग। अच्छा, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो है, बट आप इसमें देखोगे तो अगर क्लोजली देखेंगे तो एक लगेगा हल्का सा स्पार्कली इफेक्ट है। करेक्ट है। और जनरली पीपल आर वेरी स्केप्टिकल बिकॉज दे बिलीव दिस हैज गॉट लिटिल वेरी रफ एजेस और मे बी थ्रेड्स होते हैं उसके अंदर, ये बट दिस इज नॉट लाइक दिस, दिस इज नॉट लाइक दिस। एंड इसके कुशन्स भी आप देखेंगे, अगर मैं कुशन्स के फैब्रिक की भी बात करूं, दिस इज ऑल फॉइल। अच्छा, दिस इज ऑल फॉइल वर्क। ओके, ये वो नॉर्मल फैब्रिक नहीं है कि हम आपको जैसे कहीं पे भी सिर्फ गोल्डन कलर का फैब्रिक ही देना, दिस इज कम्प्लीटली फॉइल वर्क। आप इवन सामने देखेंगे, नाउ वी आर गोइंग वेरी क्लोज टू द ब्लैक वन, माय फेवरेट ब्लैक। ओके, ब्लैक अभी सर ये रिसेंट मेरे को इंट्यूशन है कि ये आने वाले टाइम पे ट्रेंड सेटर ही बनेगा और लोग काफी प्ले करेंगे ब्लैक के साथ जी। तो अभी जो इसमें हमने कुशन्स का क्या करा है, हमने कुशन्स को रेप्लिकेट करा है विद द ब्लैक, वी हैव गिवन द बेज कुशन्स एंड विद द बेज वी हैव गिवन अ ब्लैक कुशन्स। ओके, जस्ट टू गिव इट अ कॉम्प्लीमेंट एंड अ कॉन्ट्रास्ट कि ये पूरा का पूरा एक थीम सेटअप हो। ओके, एंड इसमें भी हम देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो अ फॉइल वर्क। अगर मैं कुशन की बात करता हूँ तो ये कम्प्लीट पूरा फॉइल है, ये पूरा फॉइल है। अच्छा, ये जितना है। इंडिया में कैसे होता है ये? इंडिया में सर ये मिल जाता है फैब्रिक, बट इट इज ऑन अ वेरी हायर प्राइस, हायर प्राइस पे। और जो बड़े स्टोर्स हैं, जो फर्निशिंग स्टोर्स हैं, उनके ऊपर ये अवेलेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट हो सकती है। ठीक है, आप बता रहे थे इसमें जो ये भी एक डिजाइनर फर्नीचर जी, जी, जी सर, इवन आप देख रहे हैं तो कुशन के ऊपर भी एक डिजाइनर एलिमेंट है थ्रू आउट, और एक डिजाइनर का पूरा एक अपना सिग्नेचर है। एग्जैक्टली, थ्रू आउट फॉलो होता है। इसकी लेग्स देखेंगे, अब हम बात करेंगे इसके हार्डवेयर की जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। सॉरी आई इंटरप्टेड, नो प्रॉब्लम, या प्लीज गो अहेड। अब आप सर लेग्स का अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको ये व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि ये बड़े स्लीक से टूट ना जाए। सो दिस इज अ टोटल सॉलिड SS लेग विद अ PVD प्लेटिंग। ये प्रॉपर सॉलिड है, ये अंदर से हॉलो नहीं है, लेग पूरा सॉलिड लेग है। एंड इसका जो अप्रोक्सीमेटली एक लेग का पेलोड है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 500 kgs। ओके, सो इट कैन बेयर वेट ऑफ 3 adults, 4 adults सर? एग्जैक्टली, इट कैन बेयर अ वेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1500 to 1800 kgs। ओके, हाँ, इतना स्ट्रेंथ है इसमें। इंडिविजुअल लेग्स? नो, इंडिविजुअली लेग वुड बी अराउंड 500 kgs। ओके, ऑल द फोर लेग्स। ओके, व्हाट आई मेंट बेसिकली दैट ऑल फोर पुट टुगेदर आराम से 3 adults यहां पे इजी। और पहले भी हम लोग बात कर रहे थे वही कि ये भी मुझे लग रहा है कि हमारे इंडियन स्टैंडर्ड से थोड़ा बड़ा है ये। जी सर, इसका जो 3-seater है, दिस इज लिटिल लॉन्गर। अगेन वही सर, 3-seater प्लस 3+1 and 1 जो उनका यूरोपियन स्टैंडर्ड। नहीं सर, आई एम सेइंग द लेंथ ऑफ इट। लेंथ सर, बट नेचुरल जितने भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होंगे उनका 3-seater थोड़ा सा बड़ा होता है, हमारे इंडियन जो हम इंडियन लोकली प्रोड्यूस करते हैं। और डेप्थ भी थोड़ी ज्यादा होती है, डेप्थ भी ज्यादा होती है उसकी, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट वो 18 inches होता है। 18 inches होता है, जस्ट फॉर द ह्यूमन कंफर्ट। ओके सर, बेज में जस्ट बिकॉज सेम यूनिट है, इसका रेप्लिकेशन है। जी जी, वी विल चेक द कलर्स इसमें कैसा दिखता है। इसमें ऑपोजिट क्वेश्चंस हैं, तो लगभग इसमें हर सोफा के ऊपर यू गेट अराउंड 10+12 क्वेश्चंस हैं और साथ में 2 seating अरेंजमेंट। वेरी नाइस। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम व्हेन यू लुक्ड एट द ब्लैक कलर बेड और सॉरी सोफाज देयर इन टर्की और वेयर एवर यू आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन इंडिया इट वॉज नॉट वेरी ट्रेडिशनली फॉलोड कलर, ब्लैक एज अ पर से एज वॉज अ बैड ओमेन, पीपल डोंट फॉलो दिस कलर। So what was that first thing that came to your mind? Sir, the first thing that came to my mind was just why not to give an experiment. Okay. But for that experiment, the company showed me the whole black set. Okay. So I just asked them, I don't need a whole black set. Okay. Can you just change the color of 1 3-seater so that I can just go and play with beige and light contrast colors on the lighter notes. Okay. So they said that yes, we can do that. But that was experiment for them also. Okay. So once they made my products, so they were so happy making all this. They said that we'll be giving this all products in our catalog also. Okay, they introduced the same color scheme in the catalog. Same options there. Okay, so you think the world outside India, the world is going towards black? A lot of other countries also procuring sir, black. If you'll talk about the international brands. The trend also and the brand also, whatever they are called, let's say any brand, Visionaire, Versace, any brand. You can, so they are more focusing on black color now. Okay. Yeah.
Alright, so we are making a very presumptuous prediction that in future, yeah. in future, in India as well, black is going to be in trend, in vogue. So a lot maybe, of people maybe will come out with it. Whenever we'll be making our next video, mm-hmm. I think the black would be more common in every video of yours. Alright. Yeah. One last question about black, yeah. And I don't know how to... How does it go with, you know, what kind of wall colors you need to have? Sir, any wall color can go, because the thing is that we have just not played with the black color. Okay. That's why we have put on a beige tone. Mm-hmm. The beige color is what you can put it with any color scheme. Okay. If you have a blue wall, you have a black, gray wall, right. White wall, any theme color you have, they'll merge it. Oh, okay. Yeah. Because these are very neutral shades, yes, basically. Yes, they sir. Easily can yes, merge sir. With other because, colors. Because particularly if we'll be focusing the whole total black, mm-hmm. then we have to create a special room for that. Okay. But this is not a monopolized black tone. Mm-hmm, mm-hmm. Isko main wo nahi kahunga sir ki proper black hai. Okay. ठीक है हमने उसका मैंने आपको बोला यंग बैलेंस किया है बैलेंस करा हुआ यंग यंग उसके अच्छा। तो उसको मैंने बैलेंस करके ही प्रॉपर्ली डिस्प्ले वो कर रहा है ऑलराइट परफेक्ट वेरी नाइस सो ब्लैक विल बी इन द नाउ बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल दोज हु हैड मिथ्स अबाउट ब्लैक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्लियर्ड देम ऑफ यस सर सेकंड इज द डिजाइन आइडिया के बारे में भी बात हमने कर ली कि ब्लैक को यूज कैसे करेंगे लोग बिकॉज़ पीपल विल बी स्केप्टिकल सर इसमें एक फैब्रिक का आपको और एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट बता दूं दिस इज अ एंटी स्टैटिक फैब्रिक जो लोगों को लगेगा ना कि ब्लैक मेंटेन करना बहुत मुश्किल है Mm-hmm. अभी तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है mm-hmm. तो अगर इस पे लेट से इन फ्यूचर कोई धूल मिट्टी भी आ गई mm-hmm. तो ये देखिए जैसे थोड़ा सा भी है ना इसमें mm-hmm. तो ये अलग से ऊपर बाहर आ जाएगा ये देखिए दिस विल कम आउट दिस इज एंटी स्टैटिक फैब्रिक अच्छा ये अंदर इसके बेस पे नहीं जाएगा ये देखिए आपने ये देखा मैंने थोड़ा सा डस्ट इकट्ठा करा यहाँ ये आपका ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा दिस इज एक्चुअली मच बेटर देन द नॉर्मल फैब्रिक उसमें तो डस्ट ये सर फैब्रिक आपको इंडिया में नहीं मिलेगा एंटी स्टैटिक और अगर मिलेगा भी तो दिस वुड बी मोर देन अराउंड 3,000 or 4,000 रुपीज पर मीटर ओह वेरी नाइस आर यू गोइंग टू रिवील द प्राइस नाउ सर द प्राइस फॉर दिस 3-seater and the 3-seater and one is 2,95,000. Okay, yeah. 2,95,000. Yes. And how many units we have it in case sir, we just have around 3 or 4 units per model. Okay, yeah. Done. Center table and carpet is not included? Everything is excluded, the center table and the carpet, but all the cushions which are displayed on the sofa, that is included in the price. All right. Yeah. Done. So where are we going now? Now we'll showcase one or two dining tables with you. Okay. So this is not like that. Just we have 3 or 4 models of the sofas. I can see so yeah, many yeah. of them. Yeah, I have approximately 70 to 75 models displayed over here. Okay. So in the upcoming videos, I'll showcase. We'll more, get to more, see more of them. Yeah. And if you allow us at the end of the video, we'll take a small tour. No if problem. It's okay no with problem. You, no right? problem. You can take it. Okay. Yeah. So we'll go to the dining tables now. Yeah, I'll showcase one or two models of the dining table. All right. Now, what are you going to see now? Sir, we'll showcase uh-huh. one or two dining tables okay. with our viewers. Uh-huh. And I'll show you that jo abhi hamare paas nahi range aayi hai dining tables. Theek hai. Ji. Vaise every time hamare paas kitne dining sets rehte hain? Sir, at a time, agar main dining sets ki baat karun, to approximately 80 to 85 models mere paas isi store mein displayed hai. 80 to 85? Models. Achha. जी ठीक है तो वो तो हम लास्ट में टूर लेंगे तो पता चल जाएगा वो सारे सेग्रीगेटेड उसमें अगर हम कहें तो स्टार्टिंग फॉर अ 6-seater 1,25,000 रुपीस से स्टार्ट हो जाते हैं ओके विद 6 chairs एंड अगर हम लग्जरी उसमें 8-seaters में जाएं या 10-seaters में जाएं तो आई हैव अ रेंज ऑफ अराउंड 10-12 lakh रुपीस आल्सो ओके दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ टेबल टॉप यू आर यूजिंग द टेबल टॉप एंड द बजट ऑफ द कस्टमर्स एंड नो नो व्हाई द बजट गोज अप द क्वेश्चन इज द बजट गोज अप बिकॉज़ let's say if we are choosing a table with a startup level of a stone mm-hmm. but we are choosing a luxury chairs mm. so that cost will increase automatically okay and if both the things are on the higher note so that also the cost will also increase in that okay so the yeah. cost is connected with tabletop table base and chairs exactly sir the moment the more luxurious they get the expensive they get exactly right? sir okay So we'll see some of them. Yeah, we'll see. Yeah. And we have both 6-seater, 8-seater. Sorry, I'm cutting no into problem. It. No problem. And you also have round tables. Yeah, we have round also. We have square also. Okay. We have rectangular also. We have 6, 8, 10, 12. Okay. All the range oh, we lovely. Have. Lovely. Yeah. Okay. Where we start from? I'll showcase you one of my 8-seater, which uh-huh. is the newest model. Acha. And this is a marble top base mm-hmm. and a marble top platform. So, इसमें अगर हम देखते हैं सर. तो आप थोड़ा सा क्लोजअप अगर हम करेंगे इसमें जी. तो इसके जो बेस में भी आप देखेंगे तो ये एनग्रेव्स हैं अंदर
अच्छा ये कैविटी क्रिएट हुई हुई है। अच्छा ओके, तो जो लाइंस बनाई है। हाँ, ये मतलब कैविटी है इसके अंदर एंड एनग्रेविंग है। अच्छा, ये मतलब इसकी स्टोन की ओरिजिनलिटी प्रूव करने के लिए कि दिस इज अ ओरिजिनल स्टोन, तो ये ग्रूविंग्स क्रिएट करी हुई है, तो ये ग्रूव्स हैं। अब हम इसके टेबल टॉप पे फोकस करेंगे, यहाँ आपको बहुत अच्छा इसका पैटर्न फील होगा। ये जो साथ में ग्रूव्स हैं प्लस ये बीच में इसी का ही मोज़ेक वर्क करा हुआ है स्टोन का ही। अच्छा ओके, जैसे एमओपी का जनरली करते हैं बट ये स्टोन का ही पार्ट करके एंड उसी को रिवर्सल एक एक ब्लॉकिंग करी हुई है वो। अच्छा जी, लेकिन मुझे ये बताइए कि इन केस इफ दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ सीएनसी मशीन और व्हाटएवर मशीन दे यूज, दिस इज इंपोर्टेड राइट? दिस इज इंपोर्टेड, आई डोंट नो व्हाट मशीन दे यूज इट, वी कॉल इट सीएनसी इन इंडिया। एग्जैक्टली सर, सो इफ इट इज डन विद द हेल्प ऑफ सीएनसी देयर मस्ट बी ग्रूव्स बट इट डजंट फील देयर इज नो ग्रूव, दे हैव कोटेड विद एपॉक्सी ऑन इट। ओके, ये क्लियर एपॉक्सी डला हुआ है इसके ऊपर। सो यू गेट द इक्वल, ये आपको वो फील भी नहीं होगा, जस्ट वो एक इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है बट इट्स नॉट फीलेबल, आपको फील टोटली इवन है ये, इवन टोटल स्टार्टिंग एंड एज टू एज पूरा इवन है ये। ओके, दिस इज इन टर्म्स ऑफ लुक्स, दिस इज वेरी सटल, वेरी वेरी बेसिक एंड वेरी पेस्टल, वेरी 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 स्ट्रेट लाइन एंड एवरग्रीन मॉडल है ये आपका। right. इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई इसका कोई ट्रेंड आया या कोई ट्रेंड गया। करेक्ट है, ये एज इट इज पूरे का पूरा ये स्टैंडर्ड उसमें रहेगा। ठीक है, क्योंकि इंपोर्टेड है, देयर इज नो कस्टमाइजेशन पॉसिबल, वी कैन प्ले विद द चेयर्स बिकॉज़ द चेयर्स व्हिच वी हैव प्लेस्ड इन दिस दीज आर इंडियन। ओके, वी कैन प्ले विद द कलर, वी कैन प्ले विद द विनियर कलर, द पॉलिश कलर, द फैब्रिक कलर, एवरीथिंग वी कैन प्ले, बट विद द टेबल टॉप एंड द बेस वी कैन नॉट डू एनी कस्टमाइजेशन। ओके, वी हैव 6-seater ऑल्सो इन द सेम मॉडल, वी हैव 8-seater ऑल्सो। Okay, this one is 8-seater. This is a 8-seater, sir, 4 feet by 8 feet and the 6-seater size would be 6 by 3.5. Okay. Yeah. And see, there are two ways of doing it. Either you can choose this table with other chairs or you can go with this table with these chairs. With these chairs. So when it comes to letting us know the price, so what kind of strategy we follow? Sir, we tell the price just for the idea, what price we'll be telling in the video, okay, that would be with these chairs. Okay. And if the customer comes and they say, I need this table with a lesser amount of the chairs, the price would be on the lower side. Okay. And if they choose on a higher higher price and more luxury chairs, they choose. So the price would be on the higher side. Okay. Yeah. All right. So how much is this for with these chairs? Sir, with this 8 chairs and the dining table, this would be 3,85,000 rupees. Okay. Yeah. Done. And is it safe, because people are in India, they are very, very, skeptical, and they believe this epoxy will have scratches and there will be nothing, lot of sir, stains, nothing. Nothing we give a written 5-year warranty. Okay. If anything happens to it, because in terms of staining, in terms of any kind of shading, okay, everything is covered in that. Sometimes people worry about the colors also. Don't, sir, any of my customer or any of my viewer, they don't have to worry about this. We'll give a written warranty for everything. ठीक है, इसका प्राइस आपने बताया 3 lakh? 3,85,000 rupees with these chairs. And अगर इसमें कुछ भी chairs up and down होती हैं तो वो price उस हिसाब से fluctuate होगा. Done. या fluctuate भी हो सकता है और कम भी हो सकता है. ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. All right, going to the next one, yeah, and my favorite, I was in love with this. Sir, this is a model number 2, and इसमें जो अब आप देखेंगे वो मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑनिक्स, ओके, जो ये ब्लू कलर का ऑनिक्स है. बेसिकली ये क्या लगेगा आपको, जैसे जस्ट अ स्काई ऑन योर टेबल, राइट? या काइंड ऑफ, करेक्ट, वेरी ट्रू. There are a lot of, I can see a lot of natural veins on this. Yes, sir. And the patterns, textures, everything is so created and no human being can actually create this. This is very nice, very natural. And this is all 100% natural. और क्रिस, हमने पहले भी हम लोग बताते रहे कि composite जो जितने stones होते हैं, जी जी जी, उनमें कहीं ना कहीं you can see human interference. Exactly. But you get to see this pure natural, the creation of mother nature. Sir, see, the natural is this. इसका जो thickness है, this is till here only. अच्छा. And what is this? This is a molding. So you'll not feel कि ये vein यहाँ तक आया तो ये आगे carry forward नहीं होगा, वो यहीं तक है. Because reason being of the natural thing, ये इसका जो depth है, this is approximately 19 mm. Okay. The stone depth उसको जो original उसका original वो है, width है, वो 19 mm ही है. अच्छा. उसके बाद ये नीचे जो भी है इसका ये part है, this is all molding. अच्छा, this nosing is done. Yeah. Molding के help से.
ठीक है, और ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, अंदर की तरफ थोड़ा ओवल भी है, ये हल्का सा ओवलिश है। इसमें जो ये वाला पर्टिकुलर साइज है, दिस इज 8 feet by 3.5 ओके, एंड इसमें अगर किसी को 8x4 चाहिए वो भी अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा, क्योंकि ये यूनिक पीसेस होते हैं। जी सर, इनके पैटर्न्स बुक मैच नहीं होंगे, नहीं होंगे, यूनिक बिल्कुल बिल्कुल सर, सिंगल पीस होता है। अब जैसे इस पर्टिकुलर पीस में ये तीन शेडोज ऐसे आ रही हैं, इसमें जो वेन्स ऐसे आ रही हैं, मे बी जो सेकंड पीस होगा उसमें ऐसे भी आ सकती हैं, या कोई पैटर्न और भी क्रिएट हो सकता है। एग्जैक्टली, दिस वुड बी नॉट बी द सेम। ठीक है, बिकॉज हाईलाइट वॉज द टॉप, सो वी डिस्कस्ड अबाउट इट। बेस विल रिवील नाउ, विल शो टू आवर व्यूअर्स कि इसका बेस जो है वो कौन से वुड में। सर, जो इसका बेस है वो पूरे का पूरा ओक है। अच्छा, ओक एंड उसका बेस आप देखेंगे तो नीचे उसके ऊपर एक एसएस का आउटर एक लाइनिंग क्रिएट हुआ हुआ है, प्लेटफॉर्म है वो। ओके, एंड वो एसएस के ऊपर रोज गोल्ड पीवीडी हुआ हुआ है पूरा। ओके, एंड इसमें आप अगर वो देखेंगे जो हम कहते हैं रेशा, तो आपको बहुत ईजिली और बहुत ब्यूटिफुली उसमें दिखेगा कि वो पूरा प्रॉपर ओक के उस पर आया हुआ है वो। ठीक है, ओके, सेंटर बेस है ये, तो इजी टू यूज, क्योंकि सेंटर बेस टेबल्स पहले जैसे आपने बताया था एक बार हमको वीडियो में, कि जितने भी सेंटर बेस डाइनिंग टेबल होते हैं तो थोड़े स्पेस फ्रेंडली होते हैं। जी सर, जी सर, ठीक है, ओके। टॉकिंग अबाउट चेयर्स नाउ, सर, जो अब इसकी चेयर्स हैं, हमने थोड़ा सा इसको डार्कर टोन पे रखा है चेयर्स को। दीज आर ऑल इम्पोर्टेड चेयर्स, नथिंग कैन बी कस्टमाइज, ये एज इट इज ही आएंगी पूरी की पूरी। अच्छा, ब्राउन टोन में जी, एंड दिस इज ऑल्सो कम्प्लीट ओक। अच्छा, ये एक सेम ओक वुड है जो नीचे है, जो बेस पे हमने देखा था। ये एक फर्नीचर डिजाइनर्स का आई थिंक ये दिमाग होता है कि जिस तरह का बेस रखते हैं वही वुड अगर आप चेयर्स में फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, वो कॉम्प्लीमेंट करता है। अच्छा, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। अगर मैं इस वुड बेस के साथ पॉलिश चेयर्स डाल दूंगा जो हमने अपने पहले वाले उसमें दिखाए हैं, तो वो इसके साथ मर्जअप नहीं करेंगे। अच्छा, वो मेरे को इसके साथ ये मैट फिनिश में ओक ही प्लेस ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, वो इन सिंक लगते हैं। इन सिंक लगते हैं, ठीक है जी। और इसका जो अपहोल्स्ट्री वो लेदराइट है सर, ये माइक्रोफाइबर है, माइक्रोफाइबर इजी टू यूज है, इजी टू वॉश है, एंड आपका ये मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये चिप होना शुरू हो जाए। ठीक है जी। वैसे आदित्य, एक बात है, जो ओक का जो वुड होता है उसकी स्पेशलिटी है कि वो लाइट वेटेड वुड है। लाइट वेटेड वुड है सर, और लेकिन स्ट्रेंथ उसमें टीक वुड से भी ज्यादा है। टीक से भी ज्यादा है, और सर सबसे बड़ी बात क्या है, जो टर्माइट्स होते हैं, कुछ भी होता है वो उस वुड को ऊपर खा नहीं सकते। अच्छा, ओके, टर्माइट से इसका जो कहते हैं बेस होता है, दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ओके, तो वो इतना इजी नहीं करेगा, तभी जितने भी बैरल्स बनते हैं हमारे विस्की के बैरल्स बनते हैं वो सारे इसी वुड में होते हैं, क्योंकि ये जो वुड है ये बेंड हो जाता है। अच्छा, अभी हम मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊं तो ये वुड पूरा बेंड यहाँ तक पूरा इन्होंने ऐसे उसको बेंड में क्रिएशन करा हुआ है। अच्छा, ओके, और इनका इसीलिए शायद इस्तेमाल जो है उन एरियाज में भी होता रहा है जहाँ पे बहुत पानी होता है। Exactly. शिप में भी बहुत इस्तेमाल होता है। आप सर, अगर हम कंटेनर्स इम्पोर्ट करते हैं तो उसका जो प्लेटफॉर्म होता है दैट इज ऑल्सो ओक। अच्छा, ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, बट ये उसमें कहते हैं लकड़ी फूलेगा नहीं कभी। अच्छा, हाँ ठीक है, चलिए, इस बहाने हमने दूर से भी दिखा दिया कि ये कितना अच्छा गेटअप देता है। ये वेरी नाइस ब्लू टोन आता है, ब्लू ऑनेक्स इज इम्पोर्टेड ऑनेक्स, बहुत रेयर स्टोन है, ये कम मिलता है मार्केट में। बहुत रेयर है, मतलब है तो बहुत हायर प्राइस पे है जी। अब इसके प्राइस की बात करेंगे इन दिस सेटअप ओनली। सर, विद दिस चेयर्स, विद 8 चेयर्स एंड द टेबल विद द टू बेसेस, द प्राइस फॉर दिस इज 4,35,000 रुपीस। ओके, ठीक है, ऑल राइट, नाउ आई गेस वी हैव सीन टू ऑफ देम। या इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट मार्बल टॉप के बहुत सारे मेरे पास सेमी प्रेशियस ऑप्शंस भी हैं, इटालियन ऑप्शंस भी हैं, कॉम्पोजिट ऑप्शंस भी हैं, तो जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो अवेलेबिलिटी है हमारे पास। Cool. ठीक है, एज वी प्रोमिस, आई थिंक दिस इज द टाइम टू साइन ऑफ नाउ। सर, ओके, सो लेट्स प्लग आउट नाउ, एंड बिफोर वी डू दैट, विद योर परमिशन आई विल टेक अ स्मॉल टूर, शो इट टू माय व्यूअर्स व्हाट काइंड ऑफ अदर थिंग्स वी हैव। ओके, बिकॉज दिस स्टोर इज नॉट लिमिटेड टू होम डेकोर, नॉट लिमिटेड टू फर्नीचर, लूज फर्नीचर ऑल्सो, वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ वॉल आर्ट एंड ग्राउंड आर्ट एंड कार्पेट्स एंड एवरीथिंग सर वी हैव ओवर हियर। ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।